अध्यक्ष जी ने अच्छी व्यवस्था बनाई थी और आज इन लोगों को बिना ट्रायल के छूट दी जा रही है। कोर्ट ने भी जवाब मांगा है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि ये पॉलिसी को लेकर के ये संघर्ष चल रहा है। उस समय मेरी बातें शायद सत्य नहीं लग रही हैं, लेकिन इस समय जो खिलाड़ियों के वीडियो आ रहे हैं, विशेष करके प्रभावित होने वाले खिलाड़ियों के वीडियो आ रहे हैं, आज वो खिलाड़ी जो धरने पर बैठे थे उनके बयान आ रहे हैं, कोर्ट तक जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी असली पीड़ा क्या थी। वो आज देश के सामने आ गया। कुछ दो लाइन आप कहते थे कि नगर नगर क्या ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, मैं पहले दिन बोला था, फिर बोला था कि ये मैंने बोला था कि नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। पद लोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था श्रृंगार नहीं। कहने का मतलब मेरा क्या था, मैं कमजोर की तरफ हो गया, ये शायद मेरा स्वभाव भी है। और ये मेरा स्वभाव नहीं है, हमारे देश का भी स्वभाव है, ये हमारे देश का स्वभाव है। आप देख लीजिए, किसी कमजोर के साथ अत्याचार होता है, देश खड़ा हो जाता है। तो आज वो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, बहुत खुल करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज वो चीज़ें जो मैंने पहले शुरू में व्यक्त की थी, आज वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और सबको दिखाई पड़ रही है। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।